नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा गया है शोध को बढ़ावा देगा यूजीसी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शोध चक्र। दोस्तों, 11 मई 2022 लगभग सभी अखबार में यह खबर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। दोस्तों, शोध चक्र है क्या, इनसे किनको फ़ायदा होगा, मैं आप सभी को तेज़ी से पढ़कर बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा गया है संदर्भों की तलाश में अब नहीं भटकेंगे शोधार्थी। तो मुख्य रूप से शोधार्थी, सुपरवाइज़र, गाइड जो भी हैं, उनके लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि शोध कार्यों से जुड़े देश भर के छात्रों की शोध से जुड़ी राह अब आसान होगी। उन्हें शोध से जुड़े संदर्भों के लिए अब भटकना नहीं होगा, बल्कि उन्हें इससे जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर ही मिलेगी। खासकर संबंधित विषय को क्लिक करते हुए उस पर हुए अब तक के शोध और प्रकाशित हुए शोध पत्रों का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। वह शोध कार्य किस विश्वविद्यालय, कॉलेज या फिर उच्च शिक्षण संस्थान में किया गया है, कब किया गया है और उसके गाइड कौन थे, जैसी जानकारी भी मिल सकेगी। आगे लिखा गया कि शोध को बढ़ावा देने की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ाने हुए जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने यह कदम उठाया है। इससे लेकर जो है शोध चक्र नाम से मंगलवार को एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को जोड़ा गया है। साथ ही इस पोर्टल पर अब तक 3.5 लाख से ज़्यादा जो है शोध पत्रों यानी रिसर्च पेपर और थीसिस को जो है अपलोड किया गया है। आगे लिखा गया कि यह सभी विषयों से संबंधित है। अब तक शोधार्थियों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां उन्हें किसी भी विषय के शोध से जुड़ी सभी जानकारी मिल सके। खास बात यह है कि नई जो है शिक्षा नीति में शोधार्थियों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म को बनाने की सिफारिश की गई थी। UGC चेयरमैन डॉक्टर एम जगदीश कुमार जी ने मंगलवार को इस पोर्टल को लॉन्च किया और कहा कि यह शोध से जुड़े छात्रों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। इस पोर्टल के जरिए शोधार्थियों के साथ गाइड और विश्वविद्यालय भी संबंधित जानकारी हासिल कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल के जरिए शोधार्थी अपने कार्य को भी प्रदर्शित कर सकेंगे, साथ ही गाइड भी इसके जरिए शोधार्थी को जरूरी दिशा निर्देश दे सकेगा। UGC से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इस पहल से शोध कार्यों में पहले के मुकाबले तेजी आएगी और शोधार्थी समय से अपने शोध कार्य पूरा कर सकेंगे। मौजूदा समय में शोध से जुड़े छात्रों का काफ़ी समय सिर्फ संदर्भों की जो है खोजबीन में चला जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। जो छात्र शोध से संबंधित हैं, अब उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर जो है संदर्भों जो सारे संदर्भ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।